एवरीवन, मैं समन सिमरन। आज की जो रेसिपी है वो है देसी मैक्रोनी की रेसिपी। मैक्रोनी को कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल इंडियन स्टाइल, यानी कि इंडियन स्पाइसेस के साथ देसी स्टाइल में ये देसी मैक्रोनी। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाया जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन। अब इसमें डाल दें पानी 2 कप। अब इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून नमक और इसमें डाल दें ये 1/2 कप मैक्रोनी और इन्हें अच्छे से हाई फ्लेम पे हम उबलने देंगे करीब 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चाहे तो इसे स्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए, करीब 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, मैक्रोनी बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और यहाँ पे ले लें एक छलनी, उसमें छान लेंगे हम मैक्रोनी को और इसे अब साइड पे रख लें। और अब एक कढ़ाई ले लें, अब इसमें डाल दें 1/2 टेबल स्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, गैस के फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। मैक्रोनी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यहाँ मेरे पास है उसमें है 1 प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है छोटा छोटा, 1/2 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, 2 बड़े स्लाइस शिमला मिर्च के मैंने चॉप कर लिए हैं और 1 छोटे गाजर को मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियों को भी चॉप कर लिया है और 1 इंच अदरक को भी चॉप कर लिया है। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम करीब 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। इनका कच्चापन निकल चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और इसे अच्छे से मिक्स करें। तो प्याज को हम यहाँ पे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसलूसेंट होने लगी है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी ये चॉप्ड गाजर, चॉप्ड शिमला मिर्च और चॉप टमाटर। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, अब इसे एक बार फिर से मिक्स करें। तो अब इसमें डाल देंगे हम स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें डाल दें स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डाल दें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर। जैसे कि यहाँ पे देसी मैक्रोनी बन रहा है तो उसी तरीके से हम देसी मसालों के साथ इसे बनाएंगे। अब इन्हें मिक्स करें। तो इन सारी मसालों को मिलाने के बाद हम इसे करीब 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। करीब 5 मिनट का टाइम लग जाएगा इसे। तो ये देखिए, हमारी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी है, करीब 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी करीब 1 छोटा चम्मच चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस है यहाँ मेरे पास, आप चाहें तो रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ 1 बड़े चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें टोमेटो केचप और इसे एक बार फिर से मिक्स करें। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैक्रोनी और इसे एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैक्रोनी को डालने के बाद हम इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मैक्रोनी में सारे स्पाइस अच्छी तरीके से लग जाएं। तो ये देखिए, करीब 3 मिनट हो चुके हैं मैक्रोनी को कुक होते हुए और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो बनकर तैयार है देसी मैक्रोनी की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, नीचे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये देसी मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।